गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 11th मार्च 2024, सुबह के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं और यहाँ पर देखो पहाड़ आपको हार्डली विजिबल होंगे, पूरा हेज आया हुआ है। ये देखो बहुत अजीब सा गंदा सा मौसम है, वैसा मौसम नहीं है जैसा कि एक क्लियरिटी होती है। तो देखो ये अलग अलग रंग रूप हैं देहरादून के, पहाड़ों के, हिमालयास के। ऐसे मौसम में अगर आप घूमोगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आने वाला, मतलब या तो वो स्नो कैप्ड माउंटेन भी नहीं आपको दिखाई देंगे, यमुनोत्री गंगोत्री वाले लैंड रोड से कोई व्यू नहीं आएगा, ना तो फोगी इन्वायरमेंट है, ना अच्छी सनशाइन भी नहीं मिलेगी आपको, तो ये अजीब सा होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में बजाय कि आप ऊपर पहाड़ों पे ट्रेवल करो, आप थोड़ा कॉर्बेट की तरफ मूव करो, नीचे तराई रीजन में रहो, वहाँ पे घूमो। हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 12:30 और अभी मैं चलता हूँ पैसिफिक की ए ब्लॉक में, जहाँ पे निस्था रुकी हुई है, सिस्टर तुषार भी वहीं पे ही है। चलो वहीं चलते हैं और प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया भाई ईशान भाई के, वहाँ चलते हैं। पहुँच गया हूँ पैसिफिक गोल्फ, ये ग्रोसरी स्टोर, और यहीं पर मैंने उनको एयरबीएनबी अपार्टमेंट दिलवाया हुआ है, 3rd फ्लोर। तो ये है निस्था भाई, ये देखो नहा के आई है अभी, अब नहा रही है 12 बजे, और पता है 1 बज गया, इसका फोन नहीं आया, मुझे तो टेंशन हो रही है। 2 बजे तक है, चलो फिर ठीक है, तुषार भी यहीं पे आया, मजे ले रहा है भाई, इसने प्लेट खाली कर दी। वो इनका अपार्टमेंट दिखाता हूँ, ये इनका, ये एक बाथरूम है और ये किचन है भाई। किचन का क्या हाल बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना रही है फ्रूटी भाई। किचन से देखो क्या व्यू आ रहा है सामने, आरो वगैरह सब कुछ लगा हुआ है भाई यहाँ पे। अरे पेस्ट्री बोजीज की, अरे वाह, ये तो जरूर खाऊंगा मैं भाई। बालकनी से व्यू दिखाता हूँ, ये उस तरफ गोल्फ कोर्स, नीचे ब्लॉक, और ये सामने बिल्डिंग बनने लग रही है। निस्ता यहाँ पे ले लो एक फ्लैट सामने, ठीक है, जल्दी ठीक है। देख वो वाला फ्लैट लेगी ना कोने वाला, तो वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ अभी घर, फिर चलते हैं, ठीक है। तू घर से पिक कर लेना मेरे को, ठीक है, और मैगी खाने की शौकीन है तो मेरी मम्मी के हाथ के मैगी खा लेना, ठीक है। उस पर यूट्यूब पर सबकी बोलती बंद हो जाती है, बहुत बोलती है, इसकी बोलती बंद हो गई। कल यहाँ से खाना खा के जाना, ठीक है, कल कढ़ी बनाएंगे, ठीक है, तो अच्छा खाना टेस्टी बनवाना अपनी बीवी से, बढ़िया है, ठीक है। तो दोस्तों जब तक ये तैयार होते हैं, आज हमारा प्लान है कि ऊपर मसूरी से कनातल धनोल्टी से होते हुए एक राइड पूरी सर्किट मारेंगे, ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से वापस आएंगे, फिलहाल ये प्रोग्राम है। चलो दोस्तों प्लॉट पे चलते हैं, देखते हैं उस पर क्या हो रहा है। यहाँ पे वो काटने वाला कुत्ता बैठा है या नहीं बैठा, ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, ये देखो इसको बिस्कुट देने पड़ेंगे। मैं पहले इसको बिस्कुट दे के प्यार करूंगा, अगर मैं स्कूटी से आता ना तो अभी आप मुझे आगे नहीं जाने देता, यहाँ पे लड़ाई करता। तो दोस्तों ये ईंटें आ चुकी हैं, अपना जो एयरबीएनबी गेस्ट हाउस बन रहा है ईशान भाई वाला, उसके लिए ये ईंटें आई हैं। ये यहाँ पे लेबर है भाई जो घर बना रही है, बाकी अभी प्लॉट पे यहाँ पे बनेगा पूरा, ये देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले लेबर का अपना ये अपना रहने का बना लेंगे। हेलो दोस्तों, बैक टू होम, और आज का सीन ये है कि निस्था, तुषार का भाई, बाकी सब हम, मतलब टोटल 5 लोग हो रहे हैं। हम आज एक जर्नी करेंगे, काफ़ी लंबी होने वाली भाई, टफ होती है वो जर्नी और लोग इजिली कर नहीं पाते उसको। हम पूरा सर्किट मारेंगे क्लॉक वाइज, देहरादून से जाएंगे मसूरी, मसूरी से जाएंगे राइट साइड में धनोल्टी, कनातल, चंबा, चंबा से जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से वापस देहरादून, मतलब ये राउंड सर्किल होगा ऐसे पूरे पहाड़ पे। ये हर एक टूरिस्ट को करना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा, बहुत सारा, बहुत खूबसूरत रास्ता है। टियागो कार होगी हमारे पास, इसके पास स्कॉर्पियो, लेकिन वो स्कॉर्पियो लेके नहीं आई, वो लाती तो और भी मज़ा आता, पर टाटा टियागो नई गाड़ी है 1 साल पुरानी, तो इसी से करेंगे, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देगी, कैसा लगने वाला, बस बने रहिए इस ब्लॉग में, टोटल धमाल मचा देंगे। चलो भाई चलते हैं ट्रिप पे, सर्किट पे, देखते हैं कितने बजे आएंगे। अभी बज रहे हैं 2:07, 2:07 हो रही हैं, चलो चलते हैं भाई। 2:30 बज गए हैं, हमने देहरादून से स्टार्ट कर दिया जर्नी, पता है कनातल 62 किलोमीटर, फिर वहां से ऋषिकेश 72 किलोमीटर, और फिर ऋषिकेश से यहाँ 52 किलोमीटर, टोटल टाइम 5.5 घंटे ये चलने चलने का है। टोटल 187 किलोमीटर चलना है आज, और पूरा सर्किट कवर करना है, मसूरी धनोल्टी उससे और मजा भी करना है, और सीएनजी यहाँ से भरवा लिए मसूरी रोड से, अब एक बार ऋषिकेश में भरवाएंगे, अगर खत्म हो गई तो रात देखेंगे कितने बजे तक पहुंचेंगे और क्या क्या मस्ती करेंगे। हम बने रहिए सुभाष चौधरी ब्लॉग्स में, और देखो ये कंपनी फिटेड है तो यहाँ पे आती है, यहाँ पे लगती है। प्रेशर ठीक आ रहा है इसका, प्रेशर देख लो, तो आप कभी देहरादून की तरफ आए तो राजपुर रोड से, मसूरी रोड से भरवा सकते हैं सीएनजी। तो दोस्तों ये देखो सामने मसूरी, और देखो ओवरकास्ट है वेदर, कहीं कहीं धूप पर कहीं छाँव, हम चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं, मसूरी को बाईपास करेंगे, 252 हो रहा है अभी, और देखो सब ऐसे बैठे हैं और ये पीछे मस्ती कर रही है। तो 3:20 हो रहे हैं और हम लैंडोर के एरिया में हैं, मतलब मसूरी को पूरा बाईपास कर दिया है। ये देखो यहाँ पर धूप भी चली गई है, ये वुडस्टॉक स्कूल के कुछ कॉटेजेस दिख रहे हैं।
सुबह 3:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बाटा घाट। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सुहाकोली 6:30, 28 धनोल्टी 20 और चंबा 50 किलोमीटर है। और यहाँ पर मटकप कैफे है, थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक लेते हैं मटकप में। सो मटकप में भाई फ्रूटी ने लिया है, ये क्या है, ये बनाना वालनट। ये इनकी किचन है, यहाँ पे बेक हो रहा है। यहाँ पे बेकिंग के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है देहरादून और मसूरी में। ये क्या कर रही है, ये हरियाणा का HR10 भाई, देखो HR10 नंबर है और ये बांध लिया ऊपर साफ है। अब पुलिस वाले तो भाई हाथ देंगे ही देंगे, कहेंगे क्या हो गया, कहाँ से जा रहे और कोई यहाँ पे। तो दोस्तों 3:50 हो गए और हम मटकप कैफे से एक दो केक खा के निकल चुके हैं आगे की यात्रा पे। और ये देखो पूरी वैली है भाई, यहीं से जाना है। अलग अलग मौसम हो रहा है, कहीं पे छाव है, कहीं पे धूप है, और आई होप कि हमें थोड़ा बहुत फॉग भी मिले धनोल्टी के आसपास। चलो चलते हैं। सो दोस्तों ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत बेहतरीन सीनरी आ रही है। सुहाकोली क्रॉस कर लिया, बस धनोल्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 4। कुछ बच्चे कुछ बेच रहे हैं भाई धनोल्टी में। क्या बेच रहे हो? बुरास का जूस। कितने का है ये? 50। लेकिन ये वो तो नहीं है जिसमें वो मिला के बेचते हैं? नहीं, ये बुरास का जूस ओरिजिनल है। किसने निकाला? सर, घर में निकालते हो? कितने का है ये? 50 रुपए की बोतल, बिल्कुल ओरिजिनल। चीनी मिला रखी इसमें थोड़ी बहुत? हमें तो थोड़ा सा मिलावट वाला चाहिए था, जैसे चीनी का या उसका, वो वाला है? अब कहेंगे ये वही तो है। तो दोस्तों हमने तो ये खरीदा नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था, क्या पता क्या, क्योंकि इसमें मिलावट बहुत होती है भाई। एग्जैक्ट 4:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं धनोल्टी। धनोल्टी में जो सबसे ज्यादा जो बिक्री होती है जिस रेस्टोरेंट की उसमें खाएंगे आज। ये देखो धनोल्टी के मार्केट में रुके हैं, लास्ट टाइम जब हम घूमने आए थे तो उसमें तंदूरी नाइट्स में खाना खाया था। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जिसका तंदूर हमेशा चलता रहता, वो है हिमालयन गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट। तो भाई ये अंदर लेटी हुई है, फ्रूट उठी तो अंदर लेटी हुई है निस्था, वो इसलिए लेटी हुई है क्योंकि इसने शीशे खोल दिए थे जो आगे बैठे हुए थे, तो फिर उस हवा लग गई। इसका भी शीशे खोल के ना चलाएं, ठंड है ना यहाँ पे भाई। टियागो की ना थोड़ा चढ़ाई पे हालत खराब हो रही है, वो टॉर्क नहीं बन पा रहा है, पर वैसे बढ़िया चल रही है। जब ज्यादा चढ़ाई आती है तब भाई लगता है कि मिसिंग है भाई, स्कॉर्पियो होनी चाहिए इन जैसे रस्तों पे बहुत तेजी से चढ़ने के लिए। तो CNG पे चला रहे हैं, थोड़ा सा तो फर्क रहता है CNG पे। सो भाई पूरे धनोल्टी में एक ही रेस्टोरेंट है ये जहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, पनीर भी अच्छा रखा हुआ है इन्होंने, बाकी तो हम खा के बताएंगे। तो हमने एक लच्छा पराठा, बाकी तंदूरी रोटी मंगाई है। नान ये सर्व नहीं कर रहे हैं अभी, नान कभी नहीं देते, आज ही नहीं दे रहे हो? आज नहीं दे रहे हो? ये देखो लच्छा पराठा बन गया, बढ़िया। यहाँ का धनोल्टी का पानी पी के मजा आ जाता है भाई, बिल्कुल नेचुरल स्प्रिंग वाटर, मतलब एक मिठास होती है ना। और पता है इस पानी को तुम पियोगे, बार बार पियोगे, भारीपन नहीं लगता। तुम तो अभी पियोगे, फिर थोड़ी देर बाद ही प्यास लग जाएगी, फिर पियो, ऐसा होता है भाई। मेरी तो कैप निकल गई है, ठंड हो रही है यहाँ पे, और इस जैकेट में तो और भी ठंड लग रही है, थोड़ा सा पतली सी है। वो ब्लू वाली जैकेट काफी हैवी है, लास्ट टाइम पहन के आया था तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ पे आ गया अपना पनीर और दाल, तंदूरी रोटी आ गई है भाई, खाना अच्छा लग रहा है, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। कभी आओ तो यहाँ पर खा सकते हो, धनोल्टी का बेस्ट है मतलब। तो दोस्तों 5:10 हो गए हैं और हम यहाँ से चल पड़े हैं खाना वाना खा के, और मस्त खाना था भाई इसका, मतलब धनोल्टी में जो बेस्ट है वो ये है, जितना मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, पहाड़ों पर नहीं मिलता इतना अच्छा खाना, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे सबसे बेस्ट था। और बस अभी सरकुंडा देवी आने वाला है, 2-3 किलोमीटर दूर रह गया है, फिर उसे क्रॉस करके हम जाएंगे चंबा, चंबा से कनातल, कनातल से चंबा, और फिर जाएंगे टिहरी डैम। सो दोस्तों अभी हम रिज पर हैं, और कनातल से पहले देखो रिज, मतलब लेफ्ट इसको खाल भी बोलते हैं, और राइट का भी पूरा व्यू दिख रहा है, और लेफ्ट का भी देखो बिल्कुल बीच में रोड है पहाड़ की टॉप पे। स्नो कैप माउंटेन आज नहीं दिख पा रहे हैं, पूरा फोगी है एनवायरनमेंट, वरना यहाँ से पूरा स्नो कैप माउंटेन दिख, तो बहुत प्यारा व्यू आता है। सो दोस्तों अब मार्च मिड चल रहा है, और कनातल के आसपास ये बुरास के जो फूल हैं ये खिले हुए हैं लाल लाल, यहाँ पे भी और यहाँ भी। अभी अप्रैल आएगा तो अभी और भी ज़्यादा खिल जाएंगे, ये यहाँ की सुंदरता है। दोस्तों कनातल पहुँच चुके हैं, अभी हो रहा है 5:29, और यहाँ पर आपको ये जिम कॉर्बेट और राजा जी की तरह ये ग्रीन कलर की इस जिप्सी दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी जंगल सफारी होती है, वो मैंने आज तक नहीं किया, वो भी बहुत जल्दी करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये पूरा फॉरेस्ट है, कोडिया फॉरेस्ट काफ़ी, और देखो बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ इन कोडिया इको पार्क, बहुत सारी बर्ड्स हैं यहाँ पे, येलो थ्रेडेड मार्टिन भी दिखाई देता है जंगल में। और राइट में ये क्लब महिंद्रा है, काफ़ी फेमस ये जंगल है। चलो थोड़ा सा जंगल में चलते हैं, गाड़ी जा सकते हो ले जाना, हाँ मैं चला रहा हूँ, चली जाएगी। वापसी कैसे आएंगे? उड़ जाएगी भाई, ये देखो कितना खतरनाक जंगल है, पूरे देवदार के पेड़ हैं, डर लग रहा है। ये तो मतलब बहुत डेंजरस, बस आराम से बैठे रहना फ्रूटी, डर के आगे जीत है। सो दोस्तों इस जंगल में थोड़ा सा ही घूम के आए हैं, बस ज्यादा नहीं, वापस मेन रोड पे और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं चंबा के लिए। सो भाई कनातल में सबसे बड़ा एक्टिविटी सेंटर है ये, दिखाना एक बार पैम्पलेट, बिगेस्ट जॉइंट स्विंग 800 रुपीज, स्काई साइकिलिंग 500, सब कुछ है, मतलब
सब कुछ, ये पैकेज भी ले सकते हो, इनका नंबर है, कभी आप इस तरफ आओ तो कॉन्टेक्ट कर सकें। सबसे बड़ा यही है ना पूरे कनातल में, और धनोल्टी में भी ऐसा नहीं है कहीं भी, मसूरी में भी नहीं है, इस पूरी बेल्ट में सबसे बड़ा यही है। हाँ मतलब स्विंग नहीं है ये सब, स्विंग भी है यहाँ पे, सारा कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे, फिर तो शिवपुरी में मिलता है। चलो ठीक है भैया, ठीक है। सो देखो चंबा आने वाला है, चंबा के आसपास भाई सबसे बेस्ट एरिया ये है, मतलब कि मसूरी से धनोल्टी, धनोल्टी से कनातल तो फिर भी एक बार को नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद जो सुंदरता शुरू होती है चंबा तक, सुपर सुपर। बस थोड़ी देर में चंबा, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर टिहरी डैम चलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वहाँ से ऋषिकेश की तरफ मूव करेंगे। शीशा खुला हुआ था लेफ्ट साइड का, तो फ्रूटी को निष्ठा को इधर सिर में दर्द हो गया था, लेकिन अब ठीक है इसका दर्द। तो हमेशा ध्यान रखें, पहाड़ों की हवा बहुत खतरनाक होती है, शीशे उतार के बिल्कुल ना चलाएं। और यहाँ पे कुछ कैंप है, ये आपको गिफ्ट है, कोडिया एडवेंचर कैंप, सबसे बेस्ट लोकेशन पे ऊपर जंगल में देख लो, कोडिया एडवेंचर कैंप गूगल कर लेना, यहाँ आके रुक जाना आँख बंद करके, बेस्ट है। स्टार गेजिंग के लिए बेस्ट है कनातल, स्काई बहुत क्लियर दिखता है, और सर्दियों में ज्यादा क्लियर स्काई दिखता है, आप स्टार गेज कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल AQI बहुत कम है यहाँ पे। सो दोस्तों सामने चंबा सिटी दिख रहा है, वो देखो कितना प्यारा लग रहा है, और इसी के बैक साइड में टिहरी है। सो दोस्तों 552 और हम पहुंच चुके हैं चंबा, सामने हमारे चंबा है, और यहाँ पे भी सनसेट होने ही वाला है। बस देखो आधे पहाड़ों पे धूप चली गई है, आधे शहर पे धूप चली गई है। ये सामने पूरा चंबा है, ये पूरा चंबा है, और ये ऊपर की तरफ ये देख रहे हैं ये भी चंबा है। सो अभी हमें पहले चंबा पहुंचना है, चंबा से फिर राइट वो जो जा रहा है ना वो रास्ता, उधर से पूरा टिहरी डैम जाना है, जो कि 15 किलोमीटर दूर है, लग जाएंगे 15 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा ही लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। और ये रास्ता आप देख रहे हैं नीचे, ये जा रहा गंगोत्री, ये गंगोत्री हाईवे है, इसलिए बहुत बड़ा बहुत चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है, चार धाम के प्रोजेक्ट में है, और यहाँ से अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ऋषिकेश जाते हुए काफ़ी चौड़ा रास्ता हो जाता है। तो हम चारों पाँचों ही सफ़र कर रहे हैं, तुषार फ्रूटी निस्ता उसका भाई। फ्रूटी तेरी जैकेट क्या चमक रही है भाई, क्या चमक रही है, आंखें भी नहीं खुल रही। सो भाई यहाँ पे भी कुछ फोटोग्राफी हो गई है, निस्ता यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी करवा रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में पूरा चंबा सिटी आ रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, मेरा तो बिल्कुल भी बाहर खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, ये देखो कितनी तेज हवा, कितनी ठंडी हवा हो रही चल रही है। चलो चलो भाई, चलो चलो कार में चलो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, चलो चलो चलो। दोस्तों ये है हमारा चंबा सिटी, देख लो पहाड़ी मार्केट, बहुत प्यारा लगता है। तो मुझे चकराता का मार्केट अच्छा लगता है चंबा का, क्योंकि ये काफी ऊपर आके है पहाड़ों पे, तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंट फील आने वाला है, ठंडा मौसम रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। चंबा के आसपास आप घर लेके रह सकते हैं, बहुत प्यारा एरिया, ऋषिकेश भी ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सिर्फ मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर होगा। पर इस मार्केट में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे खाने की अच्छी दुकान नहीं है, पहले भी काफी बार सर्च की है। भाई देखो एक पेड़ दिखाता हूँ कितना प्यारा है, व्हाइट कलर का बिल्कुल, और हवा देखो क्या चल रही है, ये मजे हैं यहाँ के भाई। भरत गया है भाई, ये शौकीन है इन चीजों का ना, ये देखो भरत फोटो खींच रहा है, ये बहुत प्यारा पेड़ दिखा है व्हाइट कलर का। तो भाई भरत बोल रहा है ये पेयर पेड़ है, और देखो किस तरह के फ्लावर है, तो पहाड़ी बकरे देखो भाई, पहाड़ी बकरे, और ये है इनका हेड, जिसको देवता भी बोला जाता है मेरे ख्याल से, ये देखो ये देखो, पहाड़ों की यात्रा पे और ये ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दोस्तों 6:30 बजे हम पहुंच चुके हैं, आ जा निस्ता, आ जा, मेरा सर दर्द ठीक हो गया, इसका सर दर्द ठीक हो गया है, हम आ चुके हैं टिहरी डैम, ये देखो यहाँ पे ना ये बंद कर देते हैं, 6:30 हो रहे हैं, 5:30 बजे सब बंद कर देते हैं। और अभी ना वोटिंग हो रही है, आधा किलोमीटर की स्पीड बोट, लेकिन 1500 पर पर्सन, और सिर्फ 15 मिनट के लिए स्पीड बोट चलवानी है तो 500 पर पर्सन, तो भाई हमें वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। ये देखो ये प्लेटफॉर्म है पूरा, जो कि हिलता रहता है, ये कुछ प्लास्टिक टाइप होते हैं बॉक्स, और इसी से प्लेटफॉर्म बना हुआ, उस तरफ नाव है वहां पर, और बिना लाइफ जैकेट के इस पे अलाउ नहीं करते हैं। बस थोड़ी बहुत देर में अंधेरा होने वाला है भाई, सामने लीरोय रिजॉर्ट है, वो सामने यहाँ का इकलौता एक्सपेंसिव, और एक यहाँ पे ना एक फ्लोटिंग हट भी है, वो शायद उस तरफ, ये देखो ये है स्पीड बोट, सिर्फ अभी भी स्पीड बोट चल रही है, ये देखो लास्ट है ये, फिर इसके बाद बंद हो जाएगी। दोस्तों 7:07 हो गए हैं और ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया, और ये पूरी चंबा सिटी। सो भाई चंबा पहुंच चुके हैं और बस अब ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों 9:45 हो गए हैं, हम पहुंच गए हैं नरेंद्र नगर, और यहां से जा रहे हैं देहरादून। अब हमने ऋषिकेश का प्रोग्राम कैंसिल करके ऋषिकेश नहीं जा रहे, अब यहां से नरेंद्र नगर से डायरेक्ट शॉर्टकट मार रहे हैं, रानी पोखरी 19 किलोमीटर है यहां से, तो 19 किलोमीटर का घना जंगल चलेगा, ये बहुत खतरनाक फॉरेस्ट है, तो देखते हैं हमें इस फॉरेस्ट में क्या दिखता है। रानी पोखरी 14, जोली ग्रांड 16। तो दोस्तों अभी 8:50 हो रहे हैं, हम तराई रीजन में आ गए हैं बिल्कुल फोटिल में,
धीरे धीरे घना जंगल स्टार्ट हो चुका है। ये माँ मनीषा देवी मंदिर से होते हुए जा रहा है ये रास्ता, तो बहुत घने जंगल में चल रहे हैं हम अभी। इसी गैस को हमने बाईपास कर दिया है, और जो हमने सीएनजी डलवाई थी उसके ब्लिंक हो रहा है भाई, कभी भी खत्म हो सकती है। 650-700 रुपए की सीएनजी डली थी, फुल टैंक देहरादून से 2 बजे के आसपास। आपने देखा ही था कब जर्नी स्टार्ट हुई थी, और ये टाइम हो गया है। अभी भी घर यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है। सब थक चुके हैं क्योंकि ये जर्नी ना, ये सर्किट बहुत लंबा है भाई, तो इसलिए हमने ऋषिकेश का प्लान ड्रॉप कर दिया है। कोई फायदा नहीं है, और भी लेट हो जाएंगे। तो वैसे ही देहरादून अभी दूर है, तो हमने ये सोचा है कि देहरादून ही चलते हैं अपना फ्लैट पे। ये देखो हिरन, हिरन भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। सांबर था, सांबर डियर। उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ दिखेगा, तो सांबर डियर दिखा है। ये जंगल बिल्कुल माँ मनीषा देवी मंदिर के पास पहुँच गए हम। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट 10:10 हो रहे हैं और वापस मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। मज़ा आया भाई, ये जर्नी थी, ये पूरा हमने सर्किट कवर किया है, 187 से भी किलोमीटर ज़्यादा का। ये था भाई आज का टूर, जिसमें हम ऋषिकेश नहीं गए, हमें जाना था रामझूला। वहाँ की पार्किंग में कार पार्क करके हम थोड़ा सा घूमते, रामझूला, लक्ष्मण झूला, फ्रॉग लाइफ कैफे पे जाते, पर वो हमने टाइम को देखते हुए हमने वो प्रोग्राम डिच कर दिया। तो हम ठीक टाइम पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी ये लोग अपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहाँ रुकेंगे, आज रात एक्सटेंड करवा लेते हैं उन्होंने। और भाई अगर इनका अपार्टमेंट किसी को बुक करना है तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर लेना। तो जो प्राइस है वो 3500-4000 रुपये पर डे है।